जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है उन सभी बच्चों के लिए जो एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, एसएससी सीपीओ की वैकेंसी हमारे सामने निकल के आ चुकी है। आज मैं आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एसएससी सीपीओ के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, पेपर कैसे होंगे, पहले पेपर में क्या आने वाला है, सेकंड पेपर में क्या आने वाला है, कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके साथ साथ पिछले ईयर की जो कट ऑफ रही होगी उस कट ऑफ के बारे में बात करूंगा कि आपको कितना नंबर लाना है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए कितना नंबर होना चाहिए, मेल के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। बात करने वाले एसएससी सीपीओ के बारे में, तो एसएससी सीपीओ की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आप देखिएगा, हम लोग आपको बताएंगे पिछली कट ऑफ भी क्या रही है। मैं सारा पूरा डेटा लेकर आपके सामने आया हूं, तो चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, वैसे ये जानकारी आपके पास है, तब एक ब्रीफ आइडिया सारी जानकारी का ले लेते हैं। टोटल पोस्ट जो निकल के आ रही है 4187 निकल के आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, 4187 पोस्ट निकल के आई है। इसमें आपको पता है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारे विभागों में आपको पता है कि सीपीओ क्या करता है, अर्धसैनिक जितने भी बल है सारे विभागों में वैकेंसी निकालता है। दिल्ली पुलिस भी इसी के अंदर शामिल है, दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर, बाकी के ये सारे विभाग है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब विभागों में अलग अलग वैकेंसी निकालता है। अगर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस में मेल के लिए वैकेंसी निकल के आई है 101 और फीमेल के लिए निकल के आई 61, तो टोटल वैकेंसी 162, मतलब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो टोटल वैकेंसी 162 निकल के आई है मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। अगर मैं एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करूं, अदर्स के लिए बात करूं, तो 24 वैकेंसी है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे बीएसएफ, बीएसएफ में आप देख रहे हैं 847 मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है और फीमेल के लिए 45 है और टोटल वैकेंसी हो रही है 892। अगर सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में मेल के लिए 1437 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 160 और आप देखेंगे टोटल निकल के आ रही है 1597। अगर मेरे प्यारे बच्चों सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ में निकल के आ रही 1113 और फीमेल के लिए 59 और टोटल निकल के आ रही 1172। अब आप देखेंगे आईटीबीपी में, अगर देखेंगे 237 वैकेंसी निकल के आ रही है मेल के लिए, फीमेल के लिए 41 और यहाँ देखेंगे 278 आ रही है। एसएसबी में देखेंगे 5903 और यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 62। अच्छा, आपके मन में ये भी डाउट चल रहा होगा, सर जो एसएससी जीडी की परीक्षा होती है उनके अंदर भी तो ये सारे अर्धसैनिक वाले आते हैं, तो जीडी की परीक्षा किस लिए होती है, सीपीओ की परीक्षा किस लिए होती है? तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, जो एसएससी जीडी की परीक्षा होती है उस परीक्षा को पास करके आप इन सारे अर्धसैनिक बलों में एज ए सिपाही की तरह नौकरी करते हैं, पर ये सीपीओ की परीक्षा पास करने के बाद एक आप इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट पर काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? एक इंस्पेक्टर रैंक की पोस्ट पर काम करेंगे और वहां से जब जीडी के थ्रू जब आप जाएंगे तो वहां एक सिपाही की तरह आप काम करेंगे, इतना फर्क है, ठीक है। तो टोटल 3794 वैकेंसी है मेल के लिए और 369 वैकेंसी है फीमेल के लिए और दोनों को ऐड कर देंगे 4137 वैकेंसी है, इतनी इतनी वैकेंसी निकली हुई है सारे विभागों में, ठीक है भाई। चलिए इधर देखिएगा, अप्लाई डेट 4 मार्च से स्टार्ट हुई है और 28 मार्च फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे एक दो दिन में अपना फॉर्म भर देंगे, लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा क्योंकि सर्वर भी डाउन हो जाते हैं। अगर फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है, एससी एसटी के लिए 0 रुपीज है। करेक्शन डेट की बात करें, अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन डेट है 30 और 31 मार्च। अगर आपकी कोई गलती होती है 30 और 31 मार्च में आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं, पर आप जब फॉर्म भरेंगे तो बड़ी सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है कि गलती ना हो। करेक्शन की जो फीस है, अगर पहली बार करेक्शन करेंगे 200 रुपए है, एक बार करेक्शन करने के बाद आपकी फिर दोबारा से कोई गलती होती है तो सेकंड टाइम करेक्शन करेंगे तो फीस कितनी है, 500 रुपए है ना। तो कोशिश करिए गलती हो ही ना, पहली बार में ही फॉर्म अच्छे तरीके से भर जाए जिससे कि करेक्शन फीस देनी ना पड़े क्योंकि फ्री में करेक्शन नहीं हो रहा है। चलिए एग्जाम डेट की बात करें, पेपर पहला जो है वो 9, 10 और 13 मई को है। आपको देखिए पहले पेपर की डेट भी दे दी गई है, मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल और मई मतलब 1.5 से 2 महीने का समय है,
बहुत ज्यादा समय नहीं है पेपर फर्स्ट की तैयारी करने के लिए। एज लिमिट अगर देखें तो एज जो है 1/8/2024 से काउंट हो रही है। एज जो है 20 से 25 साल के अगर आप हैं, 20 से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है और एससी एसटी के लिए 5 साल की एज में छूट दी गई है। ये बेसिक जानकारी है, ये जानकारी इस फॉर्म बनने से पहले आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 1/8/2024 तक अगर 25 साल से आप ज्यादा के हो रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, चलिए। जैसे डीओबी मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है जनरल के लिए, अगर आपका जन्म 2/8/1999 से 1/8/2004 के बीच में हुआ है, ये जनरल वालों के लिए भाई ध्यान देना, यूआर के लिए अगर आपका जन्म 2/8/1999 से 1/8/2004 के बीच में हुआ है तो आप फॉर्म भर देंगे। ओबीसी के लिए 3 साल और बढ़ा लो और एससी एसटी के लिए 5 साल और बढ़ा लो यहाँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसा कि आपको पता है ग्रेजुएशन चाहिए आपको, अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी नौकरी है तो पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका पहला पेपर होगा, जब आप पहला पेपर पास करेंगे उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल पास करेंगे तो पेपर सेकंड होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। मतलब पेपर फर्स्ट, उसके बाद फिजिकल, फिर पेपर सेकंड और उसके बाद मेडिकल, तब जाके होगा सिलेक्शन। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, मतलब दो पेपर होने वाले हैं भाई। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, सर पेपर फर्स्ट में क्या आने वाला है ध्यान देंगे। पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है यहाँ पे सर आने वाले 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे, 2 घंटे का टाइम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का, एक क्वेश्चन सही होगा तो एक नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत होगा 1/4 मतलब चौथाई नंबर कट जाएगा। 2 घंटे का समय मतलब 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन, जो कि करने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके चलेंगे और स्पीड आपकी बहुत अच्छी होगी। आपका मैथ आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, जीके जीएस इंग्लिश, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन। आप देखिए 50-50 चारों सब्जेक्टों से आएंगे, 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मतलब आपको ये चार सब्जेक्टों पर अच्छी कमांड रखनी है, मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जब आपका पहला पेपर पास हो जाएगा, जब पहला पेपर आप पास कर लेंगे उसके बाद आपका होगा फिजिकल। फिजिकल की मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो फिजिकल में क्या क्या देखना है ध्यान दीजिएगा। फिजिकल ये मेल का डेटा है, इधर फीमेल का। अगर मैं सबसे पहले बात करूं हाइट की, जो बच्चा जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी में आ रहा है उसके लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, और अगर महिला आ रही है तो उसके लिए हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए हाइट होनी चाहिए 154 सेंटीमीटर, है ना। अगर आप एसटी में है तो 162.5 की हाइट से काम हो जाएगा, महिलाओं के लिए 154, अदरवाइज जनरल ओबीसी एससी में तो 170 चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें जनरल कैटेगरी में तो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुला, तो आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 85। अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो 77 और फुलाप के बाद 82 होनी चाहिए। रेस हमारी देख रहे हैं आप, दो तरीके से की रेस है भाई, एक रेस नहीं है, दो रेस है। पहली रेस 100 मीटर की होगी जिसे पार करना है 16 सेकंड में, दूसरी रेस 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर का मतलब है 1600 मीटर जिसे पार करने के लिए समय दिया गया 6.5 मिनट। आप देख रहे हैं दो रेस हो रही है, पहली रेस 100 मीटर की है 16 सेकंड में पार करनी है, दूसरी 1600 मीटर की 6.5 मिनट में। अगर महिलाओं के लिए बात करें तो 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में पार करनी है, फिर 800 मीटर की रेस 4 मिनट में पार करनी है ना। यहाँ पे हाई जंप भी है, लॉन्ग जंप भी है, शॉर्ट पुट भी है। हाई जंप आप देखेंगे 3.6 मीटर का चाहिए, महिलाओं के लिए 2.7 मीटर का चाहिए। लॉन्ग जंप देखेंगे 1.2 मीटर है और महिलाओं के लिए 0.9 मीटर है। अगर शॉर्ट पुट की बात करें 0.5 मीटर ध्यान देंगे। ये आपका फिजिकल होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होनी चाहिए इस पेपर को निकालने के लिए। फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई करने वाला बच्चा भी होना चाहिए, मतलब पढ़ने में भी होशियार होना चाहिए, फिजिकल भी मजबूत होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को निकाल सकेंगे। क्योंकि पहले परीक्षा है फिर फिजिकल निकालना पड़ेगा, तब जाके आप दूसरी परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये हमारे फिजिकल का सारा डेटा है। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं पेपर सेकंड के अंदर क्या आने वाला है। तो पेपर सेकंड के अंदर सिर्फ क्या आएगी भाई, इंग्लिश आएगी। पेपर सेकंड में और कोई सब्जेक्ट नहीं आने वाला, सिर्फ आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का समय रहेगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, एक क्वेश्चन सही होने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पर 1/4 नंबर कट जाएगा।
पेपर सेकंड के लिए सिर्फ इंग्लिश तैयार करनी है और कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ना नहीं है। फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो पेपर वन और पेपर टू दोनों को काउंट करके बनेगी। पेपर वन 200 नंबर का होगा, पेपर टू भी 200 नंबर का होगा। 400 नंबर की परीक्षा है, 400 नंबर की परीक्षा के बाद आपको इसमें से फाइनल कट ऑफ बनेगी, है ना। फाइनल कट ऑफ जब बनती है दोनों पेपर को मिलाकर बनती है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करने वाला हूं जिसका आपको इंतजार था, कट ऑफ के बारे में कि सर पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, हमें इस बार कितने नंबर लाने चाहिए तब हमारा सिलेक्शन होगा। ध्यान देंगे सभी बच्चे। अभी ये पे जो बात करने वाला हूं ये पेपर फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं। फिर मैं पेपर सेकंड या पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बात करूंगा, फिर मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों देखें सन 2023 में जो सीपीओ की वैकेंसी निकली थी वहां पर पोस्ट निकली थी 1876, ध्यान दीजिए टोटल पोस्ट कितनी निकली थी 1876। इस बार तो पोस्ट ज्यादा निकली है, मतलब डबल से भी ज्यादा निकली है। पिछली बार 1876 टोटल वैकेंसी थी 2023 में। ये जो कट ऑफ जो बताने वाला हूं 2023 की है, पेपर फर्स्ट की कट ऑफ है ये, ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, पेपर फर्स्ट कितने नंबर का था 200 नंबर का। प्यारे बच्चों देखिए 200 नंबर का पेपर था, उसमें अगर मैं मेल की बात कर रहा हूं, पहले मैं कट ऑफ की बात करूंगा मेल के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो पेपर फर्स्ट की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 138.99 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी की। EWS के लिए गई थी 133.92, OBC के लिए गई थी 131.90, SC के लिए 110.85, ST के लिए 109.53 और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 नंबर की। ये जो कट ऑफ है ये पेपर फर्स्ट की कट ऑफ है। पेपर फर्स्ट को पास करने के लिए इतने नंबर आपके होने चाहिए, ये कट ऑफ गई थी हमारी। फीमेल की अगर कट ऑफ देखोगे आप तो फीमेल की कट ऑफ मेल से भी ज्यादा गई है। हमेशा सीपीओ के अंदर मैंने देखा है फीमेल की जो कट ऑफ जाती है मेल से ज्यादा ही जाती है। जनरल कैटेगरी का जो मेल था उसके लिए 138.99 नंबर पर कट ऑफ गई थी, पर फीमेल के लिए 143.83 नंबर पर कट ऑफ गई थी। अगर यहां देखेंगे 138.99 नंबर पर कट ऑफ गई थी, यहां देखिए 137.19 या 115.22 109.98, देख रहे हैं आप लोग फीमेल की कट ऑफ मेल से क्या है ज्यादा है। ये पेपर फर्स्ट की कट ऑफ है, मतलब 140 नंबर पे 139 नंबर पे कट ऑफ गई थी जनरल की मेल की और 144 नंबर के लगभग फीमेल के लिए चाहिए थे 200 में से। अब मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करने वाला हूं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपरों को मिलाकर फाइनल कट ऑफ। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मतलब मेडिकल से पहले की कट ऑफ, ये मेडिकल से पहले की कट ऑफ है, मेडिकल से पहले की कट ऑफ है। पेपर फर्स्ट 200 नंबर का होता है आपको पता है, और पेपर सेकंड भी 200 नंबर का होता है। 200 200 कितना हो गया 400। ये जो कट ऑफ बनी है कितने में से बनी है 400 में से बनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 294.98 की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी के लिए 400 में से। EWS वालों के लिए 217.11, आप देख रहे हैं जनरल और EWS में बहुत फर्क आ गया है। जिन विद्यार्थियों में EWS का सर्टिफिकेट है उनकी कट ऑफ काफी कम आ गई है। अगर आप OBC के देखेंगे 214.29, SC के लिए 160.52, ST के लिए 165.39 और एक्स सर्विसमैन के लिए 133.39। और आप देख रहे हैं फीमेल की जो कट ऑफ है मेल से ज्यादा है। फीमेल की जो जनरल कैटेगरी में आती है वो 309.94 है, यहाँ 265.87 है, 247.14 है, 213.39 और 235.47। ये हमारी कट ऑफ किसकी है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर। अब मैं बात करूंगा फाइनल की बात करूंगा कि सर सिलेक्शन अगर होगा तो फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा। पेपर वन की कट ऑफ देख ली, पेपर वन और पेपर सेकंड दोनों मिलाकर देख ली, उसके बाद भी हमारा होता है फाइनल। मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ लगती है, और जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो 400 में से कितने नंबर आ जाए कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, तो 2023 में लगभग 1850 के करीब पोस्ट थी, वहां पर जब फाइनल कट ऑफ की बात करें देखिए सबसे ज्यादा जैसे आपने देखा था कि सीपीओ के अंदर बहुत सारे अर्धसैनिक बल आते हैं, दिल्ली पुलिस में SI की वैकेंसी आती है, BSF, CISF, CRPF, SSP बहुत सारी पोस्ट आती है। अब इनमें से कौन सी आपको चाहिए वो डिपेंड करती है आपके नंबर के ऊपर। सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है दिल्ली पुलिस SI के लिए, क्योंकि वो एक बढ़िया नौकरी है, आपको पता है उसका ट्रांसफर दिल्ली के अलावा कहीं होगा नहीं, दिल्ली में आपका रहना होगा, तो सबसे ज्यादा नंबर अगर आपके आएंगे तो आपको दिल्ली पुलिस SI मिल जाएगा। सबसे ज्यादा कट ऑफ मिलती है SI के लिए, उसके बाद जाती है फिर अलग वैकेंसियों के लिए। तो मैं बात करने वाला हूं
दिल्ली पुलिस एसआई के लिए कितने नंबर आपके आए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का, ध्यान दीजिएगा जनरल कैटेगरी का है, 400 नंबर की परीक्षा में अगर वो 324 के लगभग नंबर ला रहा है, 324 के लगभग नंबर ला रहा है, तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट उसको मिल जाएगी और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 400 में से 324 नंबर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 400 में से 324 नंबर के आसपास अगर आ रहे हैं, ये 2023 की कट ऑफ है। इस बार थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ हो सकती है, पर इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये हमारा दिल्ली पुलिस एसआई के लिए है, बाकी बीएसएफ सीआईएसएफ इन सब के लिए थोड़ा सा कम जाता है, किसी का 315 जाएगा, किसी का 314 जाएगा, किसी का 312 जाएगा, किसी का 318 जाएगा, ऐसे जाता है, सबसे ज्यादा जाता है दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आएगी। फॉर्म भरने से पहले आप ये संपूर्ण जानकारी अपने पास रखिएगा और इसी तरीके तैयारी करिएगा कि इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।